कि शायद हम लोग थोड़ा सा जब कह रहे हैं कि मिडिल क्लास क्या नाराज हो गया है, मायूस हो गया है, तो पहली लाइन में तो मायूस हूं, मैं भी मायूस हूं, क्योंकि मिडिल क्लास को जो दिखने वाली चीजें थी, जो बजट में दिखती थी, वो नहीं दिखी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस सरकार को, और इस सरकार की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कोई भी वित्त मंत्री जी का पूरा भाषण देखेगा तो वो नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ भाषण दिखता है, और उसके बाद जो 50 मिनट उनको समझाया उन्होंने समझाया तो वो और वैसे ही लगने लगा। जो इंडिया शाइनिंग मोमेंट की बात हो रही थी कि जो NDA 1 के इंडिया शाइनिंग मोमेंट की तरफ हम चौथे साल में पहुँच रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार में, शायद उसको इस सरकार ने भांप लिया, और उसमें दो तीन जो बड़ी चीजें निकल कर आई थी, ठीक है कि वो हम गुजरात चुनाव से देखें या अलग अलग देश के हिस्सों से देखें या फिर जंतर मंतर पर हुई किसान पंचायत से देखें, लेकिन इनको एक बात तो सरकार के तौर पर समझ में आ गई थी कि मिडिल क्लास की जो भी मुश्किलें हों वो तो फ्लेक्सी फेयर में भी 4 साल से काम चला ही रहा है, उसकी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा, अच्छी सड़क मिल गई, रेलवे मिल गई, सीट मिल गई, हवाई जहाज उसके घर तक पहुंच गया जो नए हवाई अड्डे बनेंगे। लेकिन गरीब को अगर डायरेक्ट हमने कुछ दे दिया तो उसका हम एक तरह से बेनिफिट बड़े तौर पर ले सकते हैं, जो उज्ज्वला में रसोई गैस के एक सिलेंडर से हो गया 5 करोड़ परिवारों की जो बात करते हैं। तो मैं जब इसको देखता हूं तो ये पूरी तरह से पॉलिसी के लिहाज से कंटिन्यूएशन है, लेकिन जो हेल्थ पे इतना बड़ा ऐलान किया गया है वो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है, और मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी ही शिफ्ट कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, और मिडिल क्लास को ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, नई सड़क है, नए हवाई अड्डे हैं और अच्छी रेलवे है, इससे वो लुभाने की